ओम नमो नारायण, ओम गुरुवे नमः। जैसे कि आप पुष्प देख रहे हैं जो कि उत्तराखंड के वन क्षेत्र आजकल इससे शोभायमान है, यह है धातकी, जिसको हम धायगा फूल, धातकी और अन्य नामों से जानते हैं। बहुत ही गुणकारी है, बच्चों से लेके बूढ़े तक इसका उपयोग कर सकते हैं। जो इसके फूल हैं ये धाय के फूल के नाम से बिकता है मार्केट में, और इसका बीज जो है धाय के बीज चलता है। तो इस तरीके से इस फूल का उपयोग बरसों से हमारे सभी ग्रंथों में वर्णन है इसका, और जितने भी आसव वगैरह हैं उसमें भी इसका उपयोग होता है। मुख्य रूप से ये हड्डियों को जोड़ने में सहायक है, और इसका जो स्वाद होता है कसेला होता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो पित्त को शांत करता है, जो भी कसेला चीज़ होगा पित्त को शांत करेगा, चर्म रोग को दूर करेगा, और साथ में जब हमारा ब्लड को साफ करेगा तो बीमारी ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए इसे स्त्रियों के लिए रामबाण माना गया है। अल्सर में इसका हम 3-4 ग्राम चूर्ण गुड़ के साथ लेते हैं तो हमें बहुत लाभ होता है। और आँखों की जो मांसपेशियाँ हैं जिनकी आँखें खुल नहीं पाती किसी कमजोरी की वजह से, उसमें भी काफ़ी अच्छा लाभ वो करता है। तो इस तरीके से मैं इसका आपको दिखा देता हूँ। इसके जो तने हैं ये इस समय तो इसी तरीके से है, और ये फूल इस समय बसंत ऋतु चल रहा है। आज मार्च का महीना है लास्ट, तो इसमें देखिएगा इस तरीके से पुष्प आते हैं जो आगे से खिले रहते हैं। फूल छोटे होते हैं, स्वाद में कसेले हैं, और इसके खाने से कोई नुकसान नहीं है। जिनको अल्सर की बीमारी है वो भी ले सकते हैं, जिनकी हड्डियाँ कमज़ोर है वो भी ले सकते हैं, जिनकी नसें कमज़ोर है, आँखें लाल रहती हैं उनके लिए भी लाभदायक है, और साथ ही महिलाओं के श्वेत पर्दा यानी लिकोरिया में बहुत ही लाभकारी है। उसमें हम इसका 3 ग्राम चूर्ण सुबह शाम लेते हैं, खाली पेट तो काफ़ी फ़ायदा होता है, और महिलाओं के लिए तो अन चीज़ों में है। और ज़्यादा इसमें देखिए मेरा अनुभव नहीं है, क्योंकि मुझे भी अभी कुछ ही दिन पहले ही पता चला इसके बारे में, और देखता तो मैं कई सालों से हूँ तो इसका ज़्यादा अनुभव नहीं है मुझे। लेकिन ये जो शास्त्रों में लिखा गया आप देख सकते हैं, मैं आपको पहचान बता रहा हूँ, इस समय आएंगे तो कहीं पे मिल जाएगा। पत्तियाँ इसकी देखेंगे, ये आड़ू जो हमारा अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसी तरीके से होता है, पीच की तरह ही देखेंगे वही, इस तरह पत्तियाँ इसकी पतली नुकीली सी। और इसकी पहचान हम फूल से ही करते हैं, इसके फूल गुच्छे में आते हैं। मैं एक बार आपको यहाँ पर जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखिए बहुत छोटे छोटे फूल होते हैं। तो ये धाय के फूल है, धातकी है, और ये यूपी साइड या उधर जो होता है उसके फूल ऊपर से खुले नहीं होते, बंद होते हैं, ऐसा मुझे बताया था किसी बैच जी ने। और यहाँ पे देखिए इस ऊपर से मुंह खुल जाता है फूल का, लेकिन ये धाय का फूल है, इसे धातकी कहते हैं, और ये उत्तराखंड की धातकी। और धाय का आपने दर्शन किया, बाकी अन्य कोई उपयोग अनुभव होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद, जय प्राकृतिक माता की।